ये कहानी सत्यराज की है। सत्यराज के केले के खेत थे। जब भी उसके खेतों में केलों की फसल कटाई लायक हो जाती थी, तब एक व्यापारी आया करता था। अरे सत्या, तू तो जानता ही है आजकल बाजार में कितनी मंदी चल रही है। इस बार केले के दाम और गिर गए हैं। अरे अन्ना, अगर ऐसे चलता रहा तो हम किसानों का क्या होगा? अब क्या बोलूं? इस बार दाम पहले से 20% घट गए हैं। अरे बाप रे, ऐसे चलता रहा तो हम सबका क्या होगा? सोचा था इस साल बेटी का इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करवा दूंगा, पर अब लगता है कि ये मुश्किल है। अब क्या बोलूं भाई। यहाँ सत्यराज की पत्नी ऐश्वर्या और बेटी बाजार से लौट रही थी। ऐश्वर्या का ध्यान बाजार में केले के चिप्स की गाड़ी पर गया। अम्मा, मुझे केले का चिप्स दिलवा दो ना अम्मा। ठीक है। दोनों केले के चिप्स के ठेले पर गए। अन्ना, कैसे दिया केले का चिप्स? 200 रुपए किलो। बाप रे, इतना महंगा? केला तो बस 10 रुपए किलो बिकता है और तुम 200 रुपए किलो चिप्स बेचते हो। केले के अलावा तेल और मेहनत भी जाती है, वैसे भी लेना है तो लो, वरना चलते बनो। गीता, मैं तुझे घर पर चिप्स बना कर देती हूँ, ये बहुत महंगा है, वो भी ढेर सारे बनाऊंगी, चलेगा ना? ठीक है अम्मा। ऐश्वर्या और गीता घर आए और ऐश्वर्या ने घर में रखे हुए कच्चे केलों से केले के चिप्स बनाना शुरू किया। अम्मा, तुमने कहाँ से सीखा ये चिप्स बनाना? अपनी अम्मा से। नानी अम्मा को चिप्स भी बनाना आता था? वैसे भी हमारे बचपन में ऐसे चिप्स के थैले नहीं होते थे, सब कुछ अम्मा ही बनाती थी। फिर तो कितने पैसे बचते होंगे ना? हाँ। गीता बड़ी बेसब्री से चिप्स के तैयार होने का इंतजार कर रही थी। फिर जब ऐश्वर्या ने चिप्स तेल की कढ़ाई से निकाले। अम्मा, बन गए क्या? हाँ हाँ, बन गए। अब बस थोड़ा सा ठंडा होने दे। ऐश्वर्या कुछ मिनटों के लिए रुकी और फिर उसने केले के चिप्स खाना शुरू कर दिया। इसी वक्त सत्यराज घर लौटा। घर लौटते ही केले के चिप्स की खुशबू आई। अरे वाह, केले के चिप्स, क्या बात है। सत्यराज भी अपनी बेटी के साथ केले के चिप्स खाने लगा। वाह 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 ऐश्वर्या, तुम्हारे हाथ के केले के चिप्स कमाल हैं। पर आज किस खुशी में चिप्स बनाए हैं? वो अप्पा, मैंने बाजार में केले का चिप्स खिलाने को बोला तो अम्मा ने दाम पूछा। वो ठेले वाला 200 रुपया किलो बोला। मैं उसको बोला कच्चे केले तो 10 रुपए किलो के हैं, तो बोलता है तेल और मेहनत भी तो लगती है। तो मैंने सोचा सबके लिए ही केले के चिप्स बना लूं। केले के चिप्स खरीद कर पैसे क्यों बर्बाद करूं? ये तुमने बहुत अच्छा किया। हमारे तो केले भी घर के हैं, बस बनाने की मेहनत और तेल। लेकिन ऐश्वर्य, सोचने की बात है, केले बस 10 रुपए किलो और केले के चिप्स 200 रुपए किलो बिकते हैं। हाँ, मैं तो सोच ही रही थी, हमें भी केले के चिप्स बनाने की फैक्ट्री डालनी चाहिए, मतलब बड़ी मात्रा में चिप्स बनाएंगे। हाँ, और इसमें लागत भी कम है। हम दोनों मिलकर ये कर सकते हैं, बस मदद के लिए एक सहायक रखना होगा। वो भी है, और हमारी आमदनी कितने गुना बढ़ जाएगी वो सोचो। अगर केले के चिप्स हम 150 रुपए किलो भी बेचते हैं तो सब हमसे ही खरीदेंगे। बिल्कुल। वैसे भी केले की फसल का दाम दिन ब दिन कम होता जा रहा है। मैं सोच रहा था कि हम क्या कर सकते हैं। तुमने अच्छा आइडिया दिया है ऐश्वर्य। जल्द ही सत्यराज ने घर के बाहर एक शेड बना दिया। इस शेड में उसने बड़ा सा चूल्हा बनाया जिस पर एक बड़ी कढ़ाई लगा दी। फिर सत्यराज, ऐश्वर्या और उनकी सहायक ने मिलकर कच्चे केलों से केले के चिप्स तैयार कर लिए। ऐश्वर्या ने नमक और मसाला मिलाया और तैयार हो गए केले के चिप्स। फिर इन केले के चिप्स को लेकर सत्यराज शहर की दुकानों में गया। अन्ना, ये ताजे केले के चिप्स हैं, मेरे खुद के खेत के हैं। मैंने अभी केले के चिप्स बनाने शुरू किए हैं। क्या आप अपनी दुकान के लिए ये चिप्स खरीदेंगे?
पहले मैं खुद टेस्ट करूंगा। सत्यराज ने उसके सामने चिप्स रखे। उस आदमी ने केले के चिप्स खाए। वाह, ये तो बढ़िया है। क्या दाम लोगे इनका? 150 रुपए किलो। ठीक है, मुझे 5 किलो दे दो और अपना नंबर भी दे दो। खत्म होंगे तो फिर कॉल करूंगा। ठीक है ना? सत्यराज कई और दुकानों पर गया और उसने सभी को अपने केले के चिप्स बेचे। जब वो घर पहुंचा तो उसके अधिकतर केले के चिप्स बिक चुके थे। ये देखो ऐश्वर्या, आज 30 किलो चिप्स बिके हैं। 4,500 रुपए एक दिन की कमाई है। बाप रे, ये 10 किलो बच गए हैं। शायद कल तक ये भी बिक जाएंगे। अच्छा है। तभी सत्यराज के मोबाइल पे कॉल आया। जी अन्ना, अभी 10 किलो केले के चिप्स बचे हैं। हाँ, अभी लाता हूँ। क्या हुआ? लगता है हमारे चिप्स अच्छे से बिक रहे हैं। वो दुकानदार को और 10 किलो चाहिए, देकर आता हूँ। सत्यराज दुकानदार को केले के चिप्स देकर पैसे लेकर आता है। रास्ते में उसे कई और दुकानदारों के कॉल आते हैं। अरे ऐश्वर्या, सारे चिप्स खत्म हो गए। कल 30 किलो चिप्स का और ऑर्डर आया है। वाह, ये तो बढ़िया है। सोचा नहीं था कि केले से मैं कभी इतने पैसे कमाऊंगा। अब सब कुछ सही हो जाएगा। बिल्कुल। ऐश्वर्या के केले के चिप्स धूम मचा चुके थे। वो रोज 30-40 किलो केले के चिप्स बनाया करती थी, जो हाथों हाथ बिक जाया करते थे। दोनों पति पत्नी बहुत मुनाफा कमा रहे थे। फिर एक रात ऐश्वर्या के दिमाग में एक ख्याल आया। मुझे और भी मुनाफा कमाना है। अगर मैं सस्ता वाला तेल इस्तेमाल करूं, तो मेरा मुनाफा बढ़ जाएगा। हाँ, वैसे भी तेल से स्वाद में क्या फर्क आएगा। और अगले दिन से ऐश्वर्या ने सस्ते वाले तेल में केले के चिप्स बनाना शुरू किया। इस बात से अनजान सत्या चिप्स को दुकानों पर बेच आया। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। फिर एकाएक दुकानदार कम चिप्स खरीदने लगे। आज 3 किलो ही चिप्स दो भाई, देखो कल के भी ऐसे ही पड़े हैं। अब सत्या सोच में पड़ गया कि अचानक उनके चिप्स की डिमांड गिर कैसे गई। ऐश्वर्या, अचानक लोगों ने चिप्स खरीदना कम क्यों कर दिया होगा? ऐश्वर्या के चेहरे पर चिंता थी, मानो वो जानती थी कि क्या हुआ है। शायद ये मेरी गलती है। मैंने ही अच्छे तेल की जगह सस्ता तेल डाला। सोचा लोगों को स्वाद पता नहीं चलेगा और हमारा मुनाफा बढ़ जाएगा। तुमने ऐसा क्यों किया? ये तो बेईमानी हुई। तुम्हारे थोड़े से लालच की वजह से हमारा व्यापार बंद हो जाएगा। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। अब हम क्या करें? अब एक ही उपाय है। सत्यराज ने ऐश्वर्या को अच्छे तेल में केले के चिप्स बनाने को कहा। ये चिप्स सत्यराज दुकानदारों के पास ले गया। अरे अन्ना, पहले के चिप्स जितने भी बचे हैं मुझे वापस दे दो। ये नए और अच्छे चिप्स ले लो। लगता है हमसे बनाने में कुछ गलती हो गई थी, इसलिए स्वाद इतना अच्छा नहीं था। ठीक है भाई, पर आगे से ऐसी कोई गलती मत करना। बिल्कुल नहीं अन्ना। सत्यराज ने सारी दुकानों पर केले के चिप्स बदल दिए और फिर पहले की तरह उनके चिप्स बिकने लगे। इस बार तो मैंने संभाल लिया है, अगली बार ऐसा कुछ भी मत करना। नहीं नहीं, मैं समझ गई कि लालच बुरी बला है। मैं फिर कभी लालच के कारण मिलावट नहीं करूंगी। और जल्द ही उनकी एक फैक्ट्री बन गई, गीता चिप्स फैक्ट्री। उनकी ईमानदारी के कारण ही उनका व्यापार इतना बड़ा बन पाया। गली, रोड, जहाँ भी कूड़ा पड़ा होता, उसमें से प्लास्टिक छांटकर अपने बोरे में डाल लेता। कुत्ते अक्सर उसके पीछे पड़ जाते थे, इसीलिए मुन्ना हमेशा अपने साथ एक डंडा रखता था। मुन्ना को अक्सर कूड़े में खाने की चीजें मिल जाती थी। मुन्ना उन चीजों से पेट भरने का मौका कभी नहीं छोड़ता था। कभी कभी मुन्ना की मुलाकात साहिल से हो जाती थी। साहिल भी कूड़ा बीनने का काम करता था। तुम मुंबई कैसे पहुंचे? पिताजी बहुत पिटाई करते थे, एक दिन घर छोड़कर भाग आया। और तुम? अपने माँ बाप का तो कुछ पता नहीं। बचपन से एक ढाबे पर काम करता था,
ढाबे का मालिक बहुत पिटाई करता था। वहाँ काम छोड़ दिया और प्लास्टिक बिनने का काम शुरू किया। मुन्ना और साहिल में अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन मुन्ना जब प्लॉट में कूड़ा बीन रहा था, तभी उसे एक किताब पड़ी हुई मिलती है। किताब पर लिखा होता है अमीर बनने के नियम। मुन्ना टूटी फूटी हिंदी पढ़ना जानता था। मुन्ना सड़क पर बैठकर पूरी किताब पढ़ जाता है। किताब पढ़ने के बाद मुन्ना तुरंत भागकर साहिल को ढूंढने जाता है। साहिल सुनो, हम भी अमीर बन सकते हैं। अमीर बनेंगे, लेकिन कैसे? खरीद कर और बेच कर। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलो मेरे साथ। मुन्ना और साहिल दोनों अपना उस दिन का इकट्ठा किया हुआ प्लास्टिक बेच देते हैं। बदले में उन दोनों को 400 रुपए मिलते हैं। 100 रुपए का वो दोनों खाना खा लेते हैं। उसके बाद मुन्ना और साहिल फलों की मंडी जाते हैं। 300 के 10 दर्जन केले खरीद लेते हैं। दोनों सड़क पर 50 रुपए दर्जन के हिसाब से केले बेच देते हैं। साहिल अब तुम जाओ और दोबारा से कूड़ा बीनो, ताकि हम दोनों के खाने का इंतजाम हो पाए। केले से जो हमने प्रॉफिट कमाया है, उससे हम कोई और चीज खरीदेंगे। साहिल कूड़े का ही काम जारी रखता है और दोनों का खाने का खर्चा निकाल लेता है। मुन्ना कमाए गए पैसों से 10 किलो सेब खरीद लेता है। वो रिहायशी इलाकों में जाकर 70 रुपए किलो के हिसाब से सेब बेच देता है। कुछ दिन फलों को बेचने के बाद जब मुन्ना के पास 7-8 हजार रुपए इकट्ठे हो जाते हैं, तब एक दिन मुन्ना साहिल से कहता है, साहिल अब तुम फल बेचने का काम संभालो, मैं एक प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ नौकरी करूँगा। साहिल 10-12 प्रॉपर्टी डीलर के पास जॉब मांगने जाता है तो उसे एक जगह जॉब मिल जाती है। मुन्ना कुछ महीनों में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम सीख लेता है और उसकी लोगों से अच्छी जान पहचान भी हो जाती है। उधर साहिल भी फलों का व्यापार करके अच्छे से पैसे इकट्ठे कर लेता है। दोनों मिलकर अपना ऑफिस किराए पर ले लेते हैं और प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस शुरू करते हैं। साहिल ऑफिस में बैठकर काम संभालता और मुन्ना साइट पर जाकर काम करता। अपने अच्छे व्यवहार की बदौलत मुन्ना और साहिल दोनों कुछ सालों में लाखों का कारोबार कर लेते हैं। हम कूड़ा बीनते थे, हमें अपना अतीत भूलना नहीं चाहिए। मुन्ना और साहिल प्रॉपर्टी की एक ऑनलाइन वेबसाइट बना लेते हैं और कूड़ा बीनने वाले लोगों के लिए ही जॉब की ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। इस तरह एक छोटी सी किताब पढ़कर मुन्ना अपनी, साहिल की और हजारों गरीब लोगों की जिंदगी बदल देता है। काशीपुर गांव में काजू नाम का एक लड़का अपने पिता के साथ रहता था। काजू 20 साल का हो गया था, लेकिन फिर भी बहुत शैतानियां करता था। दो लड़कियां अगर पास में बैठी होती तो चुपचाप जाकर उनकी चोटियां बांध देता। जब लड़कियां कुएं से अपना मटका भरकर ले जाती तो गुलेल से उनकी मटकी फोड़ देता। रोजाना कोई ना कोई उसके पिता के पास शिकायत करने आता, अरे आज आपके लड़के ने फिर से मेरी मटकी फोड़ दी। अब तो वो 20 साल का हो गया है, किसी काम पर भेजिए। दिन भर गांव में घूमकर मटर गश्ती करता रहता है, लोगों को परेशान करता है, समझाते क्यों नहीं आप उसे? बेचारा बूढ़ा बाप लोगों को आश्वासन देता है कि हाँ मैं अपने बेटे को समझाऊंगा, लेकिन काजू सुधरता ही नहीं था। अरे मैं तो कहता हूँ आप अपने बेटे की शादी कर दें, जब जिम्मेदारी सर पर आएगी तो खुद ही सुधर जाएगा। काजू के पिता सोचते हैं कि उनकी मृत्यु भी निकट है, तो क्यों ना लड़के की शादी कर दी जाए। वो काजू की शादी कर देते हैं। बहू घर पर आ जाती है, लेकिन फिर भी काजू की आदतों में कोई सुधार नहीं होता। एक दिन उसके पिता बहुत बीमार पड़ जाते हैं
और वो काजू को बुलाकर कहते हैं, देख बेटा, मैं तुझे प्रेम करता हूँ, अब ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा। मैं तुझसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में कभी ना कभी हमें अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ती है। अब तू कोई काम कर ले और ध्यान रखना कि जिंदगी में कहीं पर रुक मत जाना, हमेशा आगे बढ़ते रहना। ऐसा कहकर काजू के पिताजी मर जाते हैं। काजू पर एकदम से जिम्मेदारी आ जाती है। गांव में तो कोई काम होता नहीं, इसलिए काजू मुंबई जाने का फैसला करता है। काजू के पास अपने पिताजी के दिए 10,000 रुपए होते हैं, लेकिन जब वो मुंबई पहुंचता है तो कोई उसकी जेब काट लेता है। अरे मेरे पैसे कहाँ गए? काजू की पत्नी रोने लगती है। अब हमारा क्या होगा? तुम चिंता मत करो, उसने हमारे पैसे छीने हैं, हमारी बुद्धि नहीं। काजू और उसकी पत्नी एक सड़क किनारे तंबू लगा लेते हैं और उसी में रहने लगते हैं। फिर काजू काम की तलाश में निकलता है। काजू को सड़क पर एक लड़का अखबार बेचते हुए दिखता है। पढ़िए पढ़िए, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, सरकार ने CAA कानून को वापस ले लिया। काजू लड़के के पास जाता है और उससे कहता है, आधे अखबार तुम मुझे दे दो, बेचने के बाद मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, मुझे बस 100 रुपए दे देना। लड़का आधे अखबार राजू को दे देता है। काजू बहुत मेहनत से अखबार बेचता है। उन 100 रुपयों से काजू अपनी और अपनी पत्नी के लिए खाना खरीदता है। मेरे हाथ में अंगूठी है, आप इस अंगूठी को बेच दें तो कुछ तो पैसे मिल ही जाएंगे। काजू वो अंगूठी सुनार के पास बेच देता है और उन पैसों से अखबार खरीद कर बेचने लगता है। काजू रोजाना अखबार खरीदता और बेचता। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी तो काजू ने एक साइकिल खरीद ली। अब साइकिल से घर घर न्यूज़पेपर डालने जाता। जब थोड़ी कमाई और बढ़ गई तो काजू ने किराए पर एक कमरा ले लिया और रहने लगा। एक दिन जब काजू साइकिल से न्यूज़पेपर डालकर लौट रहा था तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। काजू की टांग टूट जाती है और उसे महीने भर के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। आप कुछ दिन आराम करें, मैं न्यूज़पेपर डालने जाऊंगी। पागल हो गई हो क्या? कभी किसी लड़की को न्यूज़पेपर डालते देखा है? आप परेशान ना हो, मैंने गांव में बहुत साइकिल चलाई है। काजू का पैर ठीक होने तक काजू की पत्नी न्यूज़पेपर डालती है। काजू की पत्नी का अखबार में भी फोटो निकलता है। काजू की पत्नी से प्रेरणा लेकर और लड़कियां भी न्यूज़पेपर डालने का काम शुरू करती हैं। उस एरिया के सांसद काजू की पत्नी की बहादुरी देखकर इनाम में 50,000 रुपए देते हैं। कुछ दिनों बाद काजू की टांग भी ठीक हो जाती है। अब काजू की पत्नी एक टी स्टॉल खोल लेती है और काजू फिर से पेपर डालने का काम शुरू कर देता है। जब काजू और उसकी पत्नी के पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो काजू को अपने पिता की कही बात याद आती है। बेटा, जिंदगी में कहीं पर रुकना मत, हमेशा आगे बढ़ते रहना। काजू सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी प्रिंटिंग प्रेस खोल लूं। काजू बैंक जाकर कुछ लोन ले लेता है और एक प्रिंटिंग मशीन खरीद लेता है। काजू न्यूज़पेपर के साथ साथ टेम्पलेट, बुक वगैरह भी छापने लगता है। कुछ वर्षों में काजू का धंधा बहुत बढ़ जाता है। वो एक बड़ा घर और कार खरीद लेता है। काजू अपने पुराने दिनों को भूलता नहीं है। वो गांव से आने वाले लोगों के लिए एक धर्मशाला बनवाता है ताकि अगर किसी के पास पैसे ना हो तो वो धर्मशाला में रुक सके। पायल के बाबा शरद कैंसर के मरीज थे। इनके इलाज के लिए कमला कई घरों में नौकरानी का काम किया करती थी। कमला सुबह से शाम काम ही किया करती थी, कभी इस घर में तो कभी उस घर में। और रात को थकी हारी जब वो घर लौटती तो अपने घर का भी सारा काम किया करती थी। माँ, तो मुझे खाना बनाना सिखा दो, कम से कम मैं ये तो कर सकती हूँ। हाँ हाँ, धीरे धीरे तो सब सीख जाएगी। कमला अपनी बेटी को खाना बनाना सिखाने लगी। जैसे जैसे कमला बोलती वैसे वैसे पायल किया करती थी।
कुछ दिनों में पायल खुद ही खाना बनाने लगी। माँ, मैंने खाना बना लिया। अरे वाह, स्कूल से लौटकर तूने खाना भी बना लिया? हाँ माँ, होमवर्क भी हो गया और खाना भी बन गया। बहुत अच्छे। पायल ने अपने माँ पापा को खाना खिलाया। इस दिन पूरा परिवार खुश था। थोड़ी खुशी आई ही थी इनकी किस्मत में कि दुखों ने दस्तक दे दी। पायल के बाबा नहीं रहे। अब पायल की माँ और पायल अकेले पड़ गए थे। अब तक वो अपने बाबा की बीमारी ठीक करने के ख्याल से काम किया करते थे। अब बस तू ही मेरा परिवार है। मैं तेरी जिंदगी बेहतर कर सकूं, बस यही एक इच्छा है मेरी। कुछ समय बाद दोनों इस दुख से उबर गए। कमला फिर से काम पर जाने लगी। पायल स्कूल से लौटती और फिर स्कूल के बाद घर आकर सारा काम संभाल लेती। एक दिन की बात है, कमला थकी हारी घर लौटी। आज तो बहुत काम करना पड़ गया। हे राम, मेरी तो कमर ही टूट गई। माँ, क्या जिंदगी भर हम लोग ऐसे ही रहेंगे? क्या? क्या जिंदगी भर तुम काम वाले का ही काम करोगी? नहीं पायल, जब तू बड़ी हो जाएगी, अच्छा जॉब करेगी, तब मुझे काम वाली का काम करने की क्या जरूरत है? नहीं माँ, मैं चाहती हूँ कि हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारी परिस्थिति बदल जाए। पर हम लोग क्या कर सकते हैं? तुम तो छोटी बच्ची हो और मैं अनपढ़। माँ, हम दोनों कितना अच्छा फरसान बनाते हैं ना, क्यों ना हम फरसान बनाकर बेचें? ये इतना आसान नहीं है पायल। हमें फरसान बनाने के लिए मशीन की जरूरत होगी और वो बड़ी मशीन बहुत महंगी होती है। क्या हम सेकेंड हैंड मशीन नहीं ले सकते हैं? सेकेंड हैंड मशीन के लिए भी हमें पैसे लगेंगे ना। तो ठीक है माँ, अब हम पैसे बचाएंगे और जल्दी ही नमकीन बनाने की मशीन खरीदेंगे। कमला हर महीने कुछ न कुछ पैसे गुल्लक में इकट्ठे करने लगी। कुछ महीनों बाद काफी सारे पैसे जमा हो गए। पायल ने गुल्लक से सारे पैसे निकाल लिए। माँ, अब हमारे पास 8,000 रुपए हैं। मुझे लगता है इतने में सेकेंड हैंड नमकीन की मशीन तो आ ही जाएगी। हाँ शायद, कल जाकर देखते हैं। अगले दिन पायल और कमला मार्केट पहुँचे और पुराने मशीन्स की दुकान ढूंढने लगे। वो लोग काफी देर तक ढूंढते रहे पर उन्हें कोई दुकान नहीं मिली। पायल, मुझे लगता है ऐसी कोई दुकान यहाँ है ही नहीं। थोड़ा और ढूंढते हैं ना माँ, मुझे यकीन है हमें नमकीन बनाने की मशीन जरूर मिलेगी। ठीक है। कमला और पायल यहाँ वहाँ देख रहे थे कि अचानक उनके सामने एक पुरानी मशीन की दुकान आ गई। अभी अभी तो ये दुकान यहाँ नहीं थी, अचानक यहाँ कहाँ से आ गई? माँ, शायद हमने देखी ही नहीं होगी। जो भी हो, चलो ना अंदर चलते हैं। भैया, क्या आपके पास पुरानी नमकीन बनाने की मशीन है? हाँ है ना, आपको जो भी चाहिए हमारे पास मिलेगा। पर भाई, हमारे पास पैसे कम हैं। पैसों की चिंता ना कीजिए बहन जी, आपके पास जितने पैसे होंगे हम उतने पैसों में आपको मशीन दे देंगे। आइए, अंदर आइए। दुकानदार ने उन्हें एक बड़ी सी मशीन दिखाई। ये देखिए। ये तो बहुत महंगी लग रही है। बिल्कुल नहीं, आपके पास कितने पैसे हैं? 8,000 रुपए। तो बस ये मशीन आपकी हुई। सच्ची? बिल्कुल। कमला और पायल मशीन लेकर घर आए और नमकीन बनाना शुरू कर दिया। कुछ घंटों तक वो दोनों मेहनत करते रहे। अब सो जा पायल, तुम्हें कल स्कूल भी जाना है ना, बाकी कल करते हैं। ठीक है माँ। कमला और पायल दोनों सो गए और अचानक आधी रात को वो मशीन अपने आप चलने लगी। उस मशीन ने बहुत सारे अलग अलग फरसान के पैकेट्स बना दिए। जब कमला और पायल सुबह उठे तो सारा घर फरसान के पैकेट से भरा हुआ था। माँ, क्या तुमने रात में ये सब किया? नहीं, मुझे लगा कि तुमने किया होगा। वो दोनों हैरान थे कि आखिर ये फरसान के पैकेट बनाए किसने, पर जो भी था उनकी मदद ही कर रहा था। अगली रात उन दोनों ने फिर से ढेर सारा नमकीन बनाने की तैयारी की और सो गए।
इस रात भी मशीन अपने आप नमकीन बनाने लगी और पैक करने लगी। पर इस रात मशीन की आवाज से पायल की नींद खुल गई। पापा, पायल देखकर चौंक गई कि उसके बाबा की आत्मा नमकीन बना रही थी। कमला भी उठ गई। कमला और पायल दोनों की आंखों में आंसू थे। तो वो आप थे जो हमारी मदद कर रहे थे। मैं जीते जी तो तुम दोनों पर बोझ बना रहा, अब मरने के बाद तुम दोनों की मदद करना चाहता हूँ। पर पापा, आप हमें क्यों छोड़ के चले गए? मैं कहीं नहीं गया बेटा, मैं यहीं तेरे साथ हूँ और हमेशा तेरे साथ ही रहूँगा। जादुई नमकीन की मशीन मिलने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने अपनी खुद की दुकान खोल ली और अब कमला काम वाली का काम नहीं करती थी। शायद इसलिए कहते हैं, माँ बाप अपने बच्चों से हद से ज्यादा प्यार करते हैं, इतना कि मरने के बाद भी उनका भला ही सोचते हैं। गुंजनपुर गांव में रवि नाम का एक नाई था। वह बहुत ही चालाक था। वो लोगों को अपनी बातों में उलझाकर उनके कटिंग के मुंह मांगे पैसे लेता था। लोग भी उसकी मीठी मीठी बातों में उलझ जाते थे। एक दिन रवि अपने एक कस्टमर की कटिंग कर रहा था, तभी गांव की एक लड़की निशा वहां से निकल रही थी। तभी वो रवि को इस तरह लोगों को बेवकूफ बनाते देख मन में सोचने लगी, ये रवि नाई तो कितना ठगी है, गांव के लोगों को कैसे ठग रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा इसका, वरना लोगों को ऐसे ही लूटता रहेगा। रवि नाई के बारे में सोचती सोचती निशा घर पहुंच जाती है। निशा के परिवार में वो और उसके पिता ही थे। निशा जैसे ही घर के अंदर दाखिल होती है, निशा के पिताजी सुदेश निशा को देखकर पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो, सब ठीक तो है? कुछ नहीं पिताजी, बस यूं ही, मैं कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही हो, बताओ। क्यों ना मैं हमारे गांव में खुद का सैलून डाल लूं? पर बेटा, गांव में रवि का सैलून है और वो बहुत पुराना है और सभी गांव वाले उसी के पास आते हैं। हाँ पिताजी, मुझे पता है, पर वो एक नंबर का ठगी है, सिर्फ लोगों के पैसे लूटता है और कुछ नहीं। मुझे उसको सबक सिखाना है। पर बेटा, वो तो बहुत पुराना है और गांव वाले उस पर यकीन करते हैं। पुराना है पर मेरी तरह टैलेंटेड नहीं, उसकी कटिंग में कोई खास बात नहीं है। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो, पर अब तुम क्या करोगी? अब मैं खुद का सैलून खोलूंगी, यूनिक क्लासिक हेयर सैलून। और उस सैलून के लिए जगह? उसका इंतजाम मैं कर लूंगी पिताजी, आप चिंता ना करें, आप बस सैलून खोलने की तैयारी कीजिए। अच्छा ठीक है बेटा। दूसरे दिन निशा तैयार होकर सुबह सुबह गांव के गज्जू काका के घर पहुंच जाती है। गज्जू काका बरामदे में बैठे अखबार पढ़ रहे होते हैं। निशा अंदर जाती है। गज्जू काका निशा को देखकर कहते हैं, अरे निशा बेटा, आओ आओ बैठो बेटा। निशा गज्जू काका के सामने खाट पर जाकर बैठ जाती है। गज्जू काका निशा की ओर देखकर कहते हैं, बेटा आज हमारे घर कैसे आना हुआ, कोई परेशानी तो नहीं? नहीं नहीं काका, ऐसा कुछ नहीं है काका, बस थोड़ा काम था आपसे। बोलो बेटा। काका, मुझे आपकी बाजार के बीच वाली दुकान किराए पर चाहिए थी। अरे बेटा, किराए की क्या बात, दुकान तुम्हारी ही है, पर ऐसे अचानक कुछ नया शुरू कर रही हो? हाँ काका, मैं गांव में एक नया हेयर सैलून शुरू करना चाहती हूँ। पर बेटा, गांव में तो पहले से ही एक हेयर सैलून है रवि का, और गांव के सारे बूढ़े से लेकर बच्चे जवान सब वहीं जाते हैं हेयर कटिंग करवाने। हाँ काका, मुझे पता है, पर वो एक नंबर का ठगी है, और वैसे भी पिताजी की तबीयत की वजह से मुझे गांव ही रहना पड़ेगा, और मैं हेयर कटिंग में स्पेशलिस्ट हूँ, इसीलिए मैं इसी काम को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। गज्जू काका अंदर जाकर दुकान की चाबी लेकर आते हैं और निशा को दुकान की चाबी देते हुए कहते हैं, लो संभालो बेटा, ये दुकान आज से तुम्हारी। कुछ दिनों में निशा हेयर सैलून शुरू कर लेती है, पर कोई भी उसके सैलून में नहीं आता है। निशा बहुत उदास हो जाती है और एक कोने में बैठ जाती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं पहले कुछ लोगों की फ्री में कटिंग करके मार्केटिंग करूं, जिससे मेरे सैलून का प्रचार हो सके, और फ्री हेयर कटिंग स्टार्ट करती है। थोड़े दिन में उसके सैलून पर भीड़ लगना शुरू हो जाती है। निशा गांव के लड़कों और आदमियों की उनकी पसंद के कटिंग करती है। ज
जिससे सब लोग उसकी कटिंग से बहुत प्रभावित होते हैं और रवि की दुकान पर जाना छोड़ देते हैं। इस बात का रवि को बहुत बुरा लगता है। एक दिन वो निशा के पास आता है और कहता है, लड़की होकर हेयर सैलून खोल रखा है और मेरे सारे ग्राहक भी खा रही हो। चुपचाप अपना हेयर सैलून बंद कर दो और जाकर कोई दूसरा काम करो। रवि की बातें सुन सैलून में बैठे लोग भी बाहर आ जाते हैं। निशा रवि की बात सुनकर रवि को एक जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? पहले तो अपने ही गांव के लोगों को कटिंग के ज्यादा पैसे लेकर लूटते हो और फिर मुझे आकर धमकी दे रहे हो। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे धमकी देने की? इतने में गांव के सारे लोग भी निशा का साथ देने आ जाते हैं और रवि को मारना शुरू कर देते हैं। गांव वालों की मार से बचकर रवि भाग जाता है।